आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। स्टाम्प चोरी में फंसा बिजनौर का हीलर्स अस्पताल, 25 लाख का लगा जुर्माना। शहर का सबसे बड़ा निजी अस्पताल स्टाम्प चोरी के मामले में घिर गया है। एडीएम कोर्ट ने कम कीमत के स्टाम्प लगाने के मामले में 25 लाख रुपए अदा करने का आदेश जारी किया है। कृषि भूमि दर्शाते हुए बैनामा कराया गया, जबकि जमीन का उपयोग व्यावसायिक हितों के लिए किया जा रहा है, जिसे प्रशासन की टीम ने पकड़ लिया। दरअसल आपको बता दें, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार की कोर्ट ने पिछले महीने हीलर्स अस्पताल के स्वामी डॉक्टर राजीव सिंह निवासी नई बस्ती के केस में आदेश जारी किया। आदेशों में कहा गया कि महमूदा जैदी से कृषि भूमि खरीदी गई थी। इस जमीन का बैनामा रिसर्च एंड हेल्थ केयर सेंटर द्वारा डॉ राजीव सिंह निवासी मोहल्ला नई बस्ती को हुआ। बताया गया कि बैनामा कराते हुए इस जमीन को कृषि भूमि दिखाया गया था। जांच में पाया गया कि उक्त जमीन को कृषि भूमि दिखाते हुए खरीदा गया। कृषि भूमि की दर से ही स्टाम्प लगाए गए। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचकर पड़ताल की गई। अस्पताल के डायरेक्टर की मौजूदगी में मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, जिसकी कीमत कृषि भूमि के मुकाबले ज्यादा बैठती है। हालांकि इस केस के संबंध में हीलर्स अस्पताल के स्वामी को नोटिस भी जारी किए गए थे। नोटिस के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई थी। आदेश में कहा गया कि स्टाम्प शुल्क के 14.5 लाख रुपए, निबंधन शुल्क 2 लाख रुपए, ब्याज के 7 लाख रुपए तथा अर्थदंड करीब 1.5 लाख रुपए अदा करने होंगे। कुल मिलाकर 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। उधर इस मामले में हीलर्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी हमें करीब 4 दिन पहले प्राप्त हुई है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर।